चर्चा और सबसे पहले बात मुंबई रेप पार्टी की। लग्जरी क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में सभी आरोपियों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी रिमांड पर भेज दिया गया है। इससे पहले फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज अदालत में पेश किया गया। वहीं एनसीबी ने इस मामले में अन्य लोगों को भी अदालत में पेश किया। दरअसल एनसीबी ने शनिवार को मुंबई तट पर एक क्रूज पर रेप पार्टी में छापेमारी के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस छापेमारी के दौरान एमडीएमए, एक्सटेसी, कोकीन, एमडी और चरस जैसे मादक पदार्थ बरामद किए गए थे। तो एक पार्टी के जरिए नशे के कारोबार का ये मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए योगेश शीतल हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई में आज योगेश कोर्ट में पेश होना था इन लोगों का, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ की मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहां से जो 3 एक्यूज थे जिसमें कि आर्यन खान थे और जो बाकी के 2 एक्यूज थे, इन तीनों को जो है कस्टडी इनकी एक्सटेंड कर दी गई है। एनसीबी कस्टडी जो थी अब 7 तारीख तक कर दी गई है। पहले याद होगा कि कल इन्होंने 2 दिनों की कस्टडी की मांग की थी लेकिन 1 दिन की कस्टडी दी गई थी और आज जो है वापस पेश किया गया। एनसीबी की तरफ से जबरदस्त दलील जो है वो दी गई है, काफी सारी चीजों को कोर्ट के समक्ष रखा गया है जिनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं चाहूंगा कि वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि जो पूरा रैकेट है बेसिकली इंटरनेशनल रैकेट है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय गिरोह है और ये जो पूरा का पूरा मामला ही अंतरराष्ट्रीय एक तरीके से है और जो भी इसमें आरोपी हैं या जो भी बरामदगी हुई है उसके तार काफी दूर तक जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत मजबूत दलील जो है वो एनसीबी की तरफ से कोर्ट में दी गई। खुद समीन वानखेड़े जो है इन्होंने जो है वो जवाब दिया, जब जज वहां पर सवाल कर रहे थे तो खुद इन्होंने जवाब दिया। आमतौर पर प्रोसिक्यूटर जो है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं जो वो डिफेंड करते हैं लेकिन यहाँ पे एएसजी अनिल सिंह और साथ में जो समीर वानखेड़े एनसीबी के ऑफिसियल थे इन्होंने कोर्ट को बताया है कि किस तरीके से ये पूरा मामले का पटाक्षेप हुआ और किस तरीके से एक्शन लिया गया। बचाव पक्ष की तरफ से अगर कहा जाए तो उन्होंने ये कहा कि जो बरामदगी हुई है वो क्रूज पर हुई है ना कि आरोपियों के पास से हुई है, जिसके बाद जो है एनसीबी की तरफ से कहा गया कि इनके इसमें ज्यादा तथ्य नहीं है बल्कि ये है कि इनके पास से बरामदगी जो है आरोपियों के पास से हुई है। इसके अलावा अलग अलग जो पिछले जजमेंट थे उनका संदर्भ भी दिया गया, मतलब रिया चक्रवर्ती का भी पिछले दिनों का केस था उसका संदर्भ देकर यह कोशिश की गई बचाव पक्ष की तरफ से कि ये बोले कि जो मामला है जो जिस धारा के अंतर्गत ये पूरा केस चलाया जा रहा है ये बेलेबल है, इसके आधार पर उनको बेल दिया जाए क्योंकि बेल प्ली भी फाइल करने की बात हुई थी। लेकिन साथ में एक दूसरा जो आर्गुमेंट है वो भी आया जो कि एनसीबी की तरफ से था, वो ये था कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा था रिसेंटली कि भले ही सेक्शन जो हो वो अवेलेबल है लेकिन एनडीपीएस के तहत यानी कि नारकोटिक सब्सटेंस एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट जो है इसके तहत जो भी अपराध है वो नॉन अवेलेबल है। तो इन सब इसके अलावा कई और सारे केसेस थे जिनका रेफरेंस जो है वो वहां पे दिया गया, उत्तर प्रदेश का भी केस था। तो इन सब रेफरेंस के आधार पर जो है वो सब चीजें की गई। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको दिखाएंगे कि देखिए आरोपी को जो है अभी यहाँ कोर्ट से जो है यहाँ पे आरोपियों को लाया जा रहा है वापस। आप देख सकते हैं कि आरोपी जो है इनको यहाँ पे भी एनसीबी ऑफिस वापस लाया जा रहा है। ये पूछताछ जो है पूछताछ बेसिकली अभी जारी रहेगी, 7 तारीख तक फर्दर कस्टडी जो है वो दी गई है और धीरे करके जो एनसीबी के अधिकारी वो यहाँ पे एक एक करके आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एनसीबी के ऑफिशियल्स थे वो खुद न्यायालय में थे और जो सवाल का जवाब था वो खुद दे रहे थे। देखिए कल महत्वपूर्ण चीज हुई थी क्योंकि कल ऐसा माना जा रहा था कि एनसीबी की फर्दर कस्टडी एनसीबी नहीं मांगेगी क्योंकि डिफेंस एडवोकेट और जो प्रोसिक्यूशन थे उनके बीच में जो है वो बात इस तरीके से हुई थी कोर्ट में, जिस तरीके से लगा था कि फर्दर कस्टडी नहीं मांगेंगे। लेकिन आज जो है सतीश माने सिंह उन्होंने कोर्ट में कहा भी कि आप तो एसजी को लेकर आ गई क्योंकि पहले कल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अलग थे, कल एसजी वहां पे नहीं थे, आज खुद एसजी अनिल सिंह वहां पे कोर्ट में मौजूद थे, जिसके बदौलत आर्गुमेंट काफी हीटेड आर्गुमेंट रहा। कई बार एक्सचेंज ऑफ जो हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन भी हुआ जो आमतौर पर कोर्ट में नहीं होता है। जनरली जो बचाव पक्ष है और जो अभियोजन पक्ष है ये जनरली कोर्ट को एड्रेस करते हैं लेकिन एक्सचेंज भी हुआ। जब बात हुई बेल की तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये कहा गया कि पहले जो है पहले कस्टडी पे बात होगी उसके बाद बेल पे बात होगी, तो ओवरऑल हीटेड आर्गुमेंट रहा लेकिन एक बहुत बड़ा झटका जो है आर्यन खान और जो बाकी के 2 आरोपी हैं इस मामले में अरबाज मर्जेंट और साथ में मुनमुन धनेचा, इनको हम कह सकते हैं कि बड़ा झटका इस वक्त लगा है। जी, आपने कहा आरोपियों की तरफ से कहा गया कि चूंकि क्रूज पर पार्टी हुई थी कहीं ना कहीं उसका भी इसमें जिक्र आया है, तो क्या क्रूज के मालिक या जो पार्टी के आयोजक हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है?
नहीं, मामला दर्ज अभी नहीं हुआ है लेकिन एप्रिहेंड किया गया है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मामला दर्ज नहीं हुआ है लेकिन एप्रिहेंड, इन्होंने कोर्ट को भी बताया कि जो और भी लोग हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया है। क्योंकि आर्गुमेंट के दौरान एक बात यह भी आई कि ये जो आरोपी है, चाहे वो आर्यन खान हो या उनके जो जो साथ में जो लोग थे, वहां पर यह बात आई कि ये लोग यहां पर फिर क्या कर रहे थे। इसके बाद सतीश माने सिंह जो कि बचाव पक्ष के वकील थे, उन्होंने कहा फिर वो हजार लोगों को भी क्यों नहीं अरेस्ट किया गया जो वहां पर उस वक्त थे। तो मैंने जिस तरीके से कहा कि आर्गुमेंट काफी पीक पे गया, लेकिन क्योंकि अभी एनसीबी की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि बाकी सारे आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है, आरोपी का मतलब आप यहां संदिग्ध समझ सकते हैं, क्योंकि आज दोपहर में एनसीबी की तरफ से करीब 8 लोगों को यहां पर बस से लाया गया है एनसीबी ऑफिस। ये वही लोग हैं जो क्रूज में थे। तो बेसिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग उस वक्त वहां पर नहीं पकड़े जा सके या जो वहां से निकल गए या किसी कारणवश उनको संदेह का लाभ मिल गया, चाहे वो अंधेरे का हो जाए और भी कई सारे टेक्निकल रीजन होते हैं, लेकिन बाद में जिस तरीके से क्वेश्चनिंग से आधार पर जो क्लू तैयार हुआ उसके आधार पर हमने आपको पहले भी बताया था कि कल काफी ज्यादा छापेमारी हुई है नवी मुंबई में, आज बैंड्रा, अंधेरी और कुछ क्षेत्र वहां पे आज भी सघन छापेमारी एनसीबी कर रही है। तो ओवरऑल जो है काफी एग्रेसिवली क्रैकडाउन करने की कोशिश की जा रही है और ये जो कस्टडी मिली है निश्चित तौर पर एनसीबी कोशिश करेगी कि जो ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो अब और ज्यादा सामने ला सके ताकि वो कोर्ट को वो चीज जो है प्रोड्यूस कर सके और आखिरकार जो प्रोसिक्यूशन जब ट्रायल शुरू होगा इस मामले में तो वो चीजें काम आएंगी। योगेश, बड़ी अहम बात है क्योंकि इसमें हाई प्रोफाइल नाम जुड़ गए हैं, कहीं ना कहीं एक किस्म का दबाव जरूर होगा एनसीबी के सामने। ये एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, ऑब्जेक्टिविटी की बात अगर करें तो मुझे लगता है वो एक ऐसा विषय जिस पर कुछ कहना एक तरीके का स्पेकुलेशंस वाली बात है कि अब आगे क्या होता है इस मामले में, लेकिन फिलहाल जिस धर्रे पर यह केस चल रहा है, फिलहाल जिस मोड पे ये चीज चल रहा है, काफी दिलचस्प है क्योंकि कोर्ट में एनसीबी के अधिकारियों द्वारा खुद आर्गुमेंट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी मामले में अगर आप देखेंगी तो आरोपी है या फिर जो प्रोसिक्यूशन है वो जनरली एडवोकेट के माध्यम से आर्गुमेंट किया जाता है, लेकिन जब अधिकारी खुद ही बता रहे हैं कि हमने इनके पास से इतना सीज किया, इनके पास से इतना सीज किया, पंचनामा ये है, हमारा मोड ये रहा था, हमने इन सब चीजों को देखा, हमारे पास ये सब एविडेंसेज हैं, कॉन्फिस्केटेड इतने डिकेजेट्स को किया गया, ये एक बहुत बड़ी बात होती है अगर आप न्यायिक प्रक्रिया की बात करें। और उसके तहत चूंकि हुआ है और इतने एक दिन की कस्टडी और फिर 7 तारीख तक की कस्टडी तो बहुत बड़े मायने रखती है और कहीं ना कहीं एनसीबी के पास काफी चीजें होगी जिस तरीके से मैंने आपको चीजों को बताया, ये सब काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं क्योंकि अगर अंतरराष्ट्रीय गिरोह की बात अगर हो रही है तो यह भी कहा गया कि रिसेंटली वो विदेश भी गए थे। अब इसका सीधा सा मतलब है कि जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इट इज गोइंग टू बी वाइड एंड ये अब भी और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, और ज्यादा वाइड होगा और इसमें कई सारे लोग शामिल होंगे। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें फॉरेन नेशनल भी शामिल हों क्योंकि हमने देखा है कि मुंबई में ही कई फॉरेन नेशनल्स को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया है अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की अगर आप बात करें तो बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनको डिटेन किया गया था, जिनको अरेस्ट भी किया गया है। ये बहुत सारे इश्यूज जो है ये हैं, लेकिन अभी जो अगर मौजूदा केस की बात करें तो ये जो कस्टडी बढ़ी है ये कस्टडी एक बहुत मैं आपको एक कह सकता हूं कि बहुत नई चीजों को लेकर आएगी, बहुत स्पार्कलिंग रेवलेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में। रजनी, योगेश, ये दुखद है कि युवाओं तक जो ड्रग्स की पहुंच है वो इतनी सुलभ हो रही है और बॉलीवुड में हम जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जवाबदेही किसी की नहीं है, लेकिन लगातार ये हो रहा है कि नशे का कारोबार बॉलीवुड में बढ़ रहा है। देखिए, ओवरऑल पूरे बॉलीवुड को मुझे लगता है इसमें शामिल करना थोड़ा सा सही नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से इट वेरी बोलते हैं कि क्रिस्टल क्लियर रेस इस पॉइंट के, अगर हम उस तरीके से कहते हैं कि जो चीजें हैं वो ऑलरेडी सतह पर आ गई हैं और फैक्ट जो है वो खुद ही बोलता है, तो यहाँ पे अगर उस लीगल मैक्सिम के अगर तर्ज पर देखें तो रेस स्पालिकेटर एक लीगल मैक्सिम है, अगर आप उस आधार पे देखें जो फैक्ट जो है वो खुद ऑलरेडी डोमेन में आ चुका है और एक के बाद एक रेशे खुलते जा रहे हैं। क्योंकि पहले जिस तरीके से आप देखें, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई उसके बाद से जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक करके जो ड्रग पेडलर थे
पहले तो लोकल जो पेडलर थे जो छोटे मोटे डील करते हैं या कहीं बैंड्रा की गलियों में या अंधेरी की गलियों में या लोखंडवाला की गलियों में या फिर नवी मुंबई की गलियों में जो छोटे मोटे डील करते हैं, पहले उस पर शिकंजा कसना शुरू किया गया और फिर स्टेप बाय स्टेप जो इन्वर्स पिरामिड होता है उस धड़े पे जो है एजेंसी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। और जिस तरीके से एसएन प्रधान कह रहे थे जो कि एनसीबी के डीजी हैं, वो जिस तरीके से कह रहे थे कि लंबे समय से एनसीबी इस ऑपरेशन में लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं अगर बड़े फिश को, अगर बड़ी मछलियों पर अगर आज एनसीबी का शिकंजा कसा है तो लंबे समय से एनसीबी ने डेफिनेटली अपने सोर्स स्ट्रांग किए, नेटवर्किंग स्ट्रांग की, क्योंकि जो इनका अपना पूरा का पूरा नेक्सस होता है इसमें कोडवर्ड का इस्तेमाल होता है। वो चीजें आज कोर्ट में भी कही गई एनसीबी के द्वारा। एनसीबी ने कोर्ट को भी बताया कि कई सारे जो नाम है वो कोडनेम से, अब कोडनेम को आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल है, उसके लिए भी उनको टाइम चाहिए, कन्फ्रंटेशन कराना होगा जो बाकी के एक्यूज हैं, साथ में जो बाकी के सस्पेक्ट हैं जिनको अभी अरेस्ट नहीं किया गया है लेकिन उसे पूछताछ जा रही है, इन सभी के साथ एक बेसिकली जो है वो कन्फ्रंटेशन होगा। उसके बाद जो कोडवर्ड्स हैं उनको कोशिश किया जाएगा कि उनको किस तरीके से डिकोड किया जाए ताकि जो सही आरोपी हैं, जो सही दोषी हैं इनफैक्ट, उन तक पहुंचा जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आखिर स्रोत कहां से है, इसकी आपूर्ति हो कहां से रही है, कौन से और बड़े चेहरे हैं जो कि पर्दे के पीछे से सक्रिय हैं, जो कि युवाओं का और देश की आर्थिक व्यवस्था को तहस नहस करने के लिए तौर पर योगेश कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स जो है वो जी निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं कर सकते कि कुछ बड़े नाम जो है वो आने वाले दिनों में आगे आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।